चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। पूरे उत्तर प्रदेश में पांचवें हिस्से के भी वोट मोदी को नहीं मिले, इतना बदलाव है। कोई देख लो, जब आज पकड़ेगा, राम मंदिर बना दिया, 370 हाईवे बना दिया, हवाई अड्डे बना रहे। जब किसान का शोषण कर रहे हो तुम, किसान को लाभकारी मूल्य नहीं दे रहे हो, उसकी खेत के फसल का दाम नहीं दे रहे हो, तो इन सड़कों को लुटेगा क्या? योगी आया था, कभी तो कोरोना में स्कूल बंद, कभी ठंड में स्कूल, एक दिन नहीं खुला। मतलब स्कूल तो प्राइवेट ही है, सरकारी तो सब बंद है। मास्टर जी, तो हमें संघर्ष करने की जरूरत। हम समाजवादी लोग आपको गले लगाने हैं। परिवर्तन की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काफी मदद की। कितना विकास हो रहा है, जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक परिवर्तन किया है। मैं संविधान के साथ खड़ा हूँ। नमस्कार साथियों, चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है। आज हम जिला बागपत में पहुंचे हैं और जिला बागपत के छपरौली विधानसभा सीट के लूम गांव में हैं। किसानों के साथ हम यहां बात करने वाले हैं और हम किसानों से चुनावी मुद्दों पर हम बात करेंगे। इस बार क्या किसानों के चुनावी मुद्दे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में और किसानों के मुद्दे भी है इस बार और देश में किसान आंदोलन भी चल रहा है। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह का समीकरण बनने वाला है चुनाव? बदला करना है के सभी, मतलब जातियों के 35-36 जात हैं, सारी चारी बदला को बहुत महंगाई ना कमर तोड़ दी, तेल आसमान छू रहा, बिजली आसमान छू रही, गैस आसमान छू रहा, जब जा तो फ्री के कनेक्शन दे दिए इन गरीबों को, और अब जा 1000 रुपये में भरे। तो क्या माहौल लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश में अभी? पूरे उत्तर प्रदेश की बता दूं। हाँ जी, पूरे की बता दो। अपने गांव में बैठा है, हाँ हम किसान है, सारे को हम लिए हैंड, क्यों जी महाराज चौधरी सारे को हैंड रहा और हम रैली में भी जाऊँ। पूरे उत्तर प्रदेश में पांचवें हिस्से के भी वोट मोदी को नहीं मिले, इतना बदलाव है। तो पहले वोट किसको दिया था आपने? वोट पहले ही नहीं दिया था, जोड़ से जीते। और इस बार क्या देख रहे हैं आप? इस बार तो बदलने पड़ेंगे। राम मंदिर से और 370 हटाई, उससे किसानों से क्या मतलब है उसका? अगर किसानों का शोषण कर रहे तो राम मंदिर बना दिया, 370 हाईवे बना दिया, हवाई अड्डे बना रहे। जब किसान का शोषण कर रहे हो तुम, किसान को लाभकारी मूल्य नहीं दे रहे हो, उसकी खेत के फसल का दाम नहीं दे रहे हो, तो इन सड़कों का लुटेगा क्या? जब उसकी जेब में पैसा होगा, जब तो गाड़ी में हाईवे पर घूमेगा हो, जब हवाई जहाज में बैठ कर घूमेगा, जब भी कश्मीर देखने जाएगा, जब भी अयोध्या देखने जाएगा, जब भी सब कुछ रेट ही नहीं बेचारे को कुछ मिल रहा है, तो क्या देखने जाएगा? इसके लिए कौन फायदे की चीज़ है? कोई इसका इलाज क्या होगा आगे, किस तरह से बदलेगी चीज़? मारे चौधरी साहब ने नुका था जयंत ने कद आदर्स कांड में के हुआ, माँ पैदल चल के गया, पहुँचा और लठ भी लग गया, और जो भाई गए जा रहे थे उनके भी लगे, पर उनने के कहा था किसानों को नहीं, नो नहीं, इस लठ का बदला चोट वोट देगी, वोट की चोट काम करेगी, हाँ तो वोट की चोट दी जाएगी ना, उन लठों का बदला लिया जाएगा। किसान सम्मान निधि योजना के नाम से कुछ सहायता मिलती है सरकार के द्वारा, धनराशि मिलती है, क्या वो किसान वाजिब है वो किसान के लिए? हमें बकाव है, अगर 2000 रुपये की योजना है, 6000 रुपये साल किसी को कर्जा लेना ना पड़े। इब हम तो ये सोच रही है 6000 रुपये लेकर, एक तो जाकत को नू देखें, मैं तो नू देखूं कौन से कॉलेज में दाखिला करवाऊं जहाँ से मतलब ऊंची नौकरी में चले गया, कहाँ मैं हिली बनाऊँ, कोडक ट्रैक्टर ले आऊँ, ये 6000 रुपये कहाँ लगाऊँ? अरे 6000 रुपये की 2 बोरी तो खड़ के आती नहीं, इसमें बका रहा हूँ हमें, या सरकार किसानों को मजदूरों को इसमें बका रही? ना तो किसी ने तमसे ना वो गणित पढ़ाया है, नहीं ना हो रहा कोई पढ़ाऊँ, वो कौन सा गणित है जो हमारी फसल का तो कुछ उठे नहीं,
खर्चा हमारा आसमान में जान लग रहा और ये हमारी दुनिया कर देंगे ऊपर कर देंगे किस कानून तक कर देंगे हमें बैरान ले जा रही हो आए तो हमारी जौन सी थी उसमें तभी आधी कर दी उन्होंने आए तो हमारी आधी कर दिया तो तुम भी सोचो जब जब हमारी फसल का तो कुछ उठता नहीं और खर्चा इसमें बड़ा लग रहा तो आए दुनी होगी का आधी होगी आधी भी नहीं रहे इबका तो आधी अगली साल आधी भी नहीं छोड़ रहे तो जो उनके नीरा रख दिए नहीं बदलाव करना पड़ेगा जनता को इसका 25 रुपये बढ़ाए 20-25 रुपये डीजल जब 50 पर 60 पर था जब भी घंटे का वही बात था और आज 20 रुपये बढ़ाकर डीजल 50 या 100 पर तो ये तो कर दिया विकास किसान का पेट्रोल है पेट्रोल मतलब जो है बहुत से जगह बहुत से स्टेट में 100 से भी ऊपर जा रहा तो किसान और मजदूरों को तो केवल यह पीसने के लिए आई और कोई इसका उचित नहीं ना किसान को कोई प्रोत्साहन किया इसने ना कोई मतलब सहयोग किया किसान मेरे किसी किसान के घर विपक्ष वाले जा उनकी भी आलोचना करें जो अगर कोई विपक्ष का नेता उनके घर जा पता लेने के ना जो वहाँ शहीद हुए के धरने पर तो उनकी भी आलोचना करें ये सब मतलब जा नहीं सकते मैंने कहा एक बताओ जब जनता तो इन्हीं की है धरना था इनके कारण धरना था वहाँ और वहाँ किसान शहीद हुआ इनका फर्ज नहीं बनता वहाँ जाकर उसका घर जाकर कुछ साल होती कुछ संवेदना पड़ सकता है तो इनका बहुत ही तानाशाही आधार है और ये अच्छा नहीं अब की बात बदलाव विशेष रूप से बेरोजगार नौजवानों का ये देखो कितनी नौकरी कितने लाख कम से कम मेरे ख्याल से 40-45 लाख अभ्यर्थी थे टीटी का पेपर दे दिया यूपी टेट का तो इस सरकार को नहीं पता इनके तो एजेंट है लीक करने वाले जब तंत्र मजबूत है मेरी हिम्मत में पेपर लीक करा दूँ जब तंत्र मजबूत होगा तो मेरी हिम्मत नहीं है मैं पेपर लीक कर दूँ जब इनका दुलमुल रवैया है कोई से उसमें देख लो जब अब आज वहाँ देखभाल रिश्वत लेते पकड़ेगा आज वहाँ पकड़ेगा 4.5 साल पूरे हो रहे हैं सरकार के आपको लगता है कि कुछ विकास हुआ हो कुछ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर कुछ काम हुआ हो आपको क्या लगता है इन्होंने 4 साल में रोड पर ले दिए इतना विकास कराया इन्होंने किस तरह थोड़ा बताइए किस तरह इस दिन योगी आया था कभी तो कोरोना में स्कूल बंद कभी ठंड में स्कूल एक दिन नहीं खुला मतलब स्कूल तो प्राइवेट ही है सरकारी तो सब बंद है मास्टर जी इन्हों बताओ उन बालकों को क्या होगा जो उसने स्कूल का मुँह नहीं देखा 3 साल हो जी 2-5 साल हुई से यहाँ से वो पढ़ तू हमें एक बात बताइए घी जितना जी करे उतना खरीदला चाहे 20 ट्रक भर ला मोदी का दूध मोदी का गाँ कितने ले रहा मोदी यू रामदेव कितने गाँ ले रहा रामदेव घी रामदेव खल भी रामदेव की सब प्योर हे मेरा दाता सारा डंगा एक नंबर का बना दिया कल्ला भुया उस करें से बदलेगा इसे 2.5 आँख वाले को जिसका 2 आँख है उसे तो लाभ हुआ नहीं और 2 आँख किसके 2 आँख हैं गरीब जनता के और इन किसानों के और नहीं तर वहाँ तो सारे कका के बैठे हो हमारे ढबको लखाते ही नहीं आपस में देख ले एक दूसरे को ठेकेदार तो ये देश के ठेकेदार ही तो हैं 5 साल के ना आगे ठेका छुट्टे इनके यही ठेकेदार बतेरे थे ये उन गार्डों को जो उनसे इनके गार्ड थे उन गार्डों को लग रहे ठेकेदार बनाऊन सारा डंगा उन्हें देने लग रहे कुछ तो ठेकेदारी ले ली मारे पता है और कुछ ठेकेदारी ले लग रहे उन्हें पता बेचा लग रहे सारे डंगे को हमन व्यानी पिछले आड़े दिखे बाबू जी तब मैं हमें भी बेचेंगे हमारी जमीन के पीछे बढ़ रहे बेचने की हम जिला बागपत के छपरौली विधानसभा सीट के लूम गाँव में थे हमने यहाँ किसानों से बात की और उनके मुद्दों को जाना विधानसभा चुनाव में किसान किस तरह इस बार रुख करने वाला है और कहाँ सरकार बनाने वाला है इन्हीं बातों के साथ आज हम बागपत के लूम गाँव में थे चलचित्र अभियान से जुड़े रहें उत्तर प्रदेश की चुनावी खबरें आप तक आती रहेगी धन्यवाद कल्याण कल्याण चिलम में दर्द है।